सकान गोंदोयाक अस्त। कई लोगों को लगता है कि हम घोड़े के खिलौने के साथ इधर उधर कूद रहे हैं, लेकिन फिनलैंड में ये खेल बन चुका है एथलेटिक जैसा। मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसके साथ घुड़सवारी करती हूँ। क्या दिक्कत है, वैसे तो आप बिना घोड़े के भी कूद सकते हैं, इसमें बहुत मजा आता है। देखने में भले ही हैरानी हो, लेकिन मासूमियत भरा एक खेल कुछ लोगों को नाखून सिकोड़ने का मौका भी देता है। कुछ ताना मारते हैं कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक जोक है। लेकिन हॉबी हॉर्सिंग का खेल हंगरी में परवान चढ़ रहा है, खासतौर पर युवाओं में। डंडी बहुत छोटी है ताकि आप कूदते समय बाधाओं से ना टकराएं, इसीलिए छोटी छड़ी बेहतर होती है। मैं घुड़सवारी भी करती हूँ, मेरे पसंदीदा घोड़े का नाम लिंजर है और इसका भी। हंगरी में ये हॉबी 3-4 साल पहले पहुँची, अब वहाँ इसके कॉम्पिटिशन भी होते हैं। मैंने साल भर पहले ये खेल शुरू किया, मैं एथलेटिक्स में जाना चाहती हूँ, अभी मैं हाई जंप कर रही हूँ। हाल ही में मैंने 1 मीटर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई फांदी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा साल भर से हो रहा है। हॉबी हॉर्सिंग बच्चों के बीच बातचीत का एक टॉपिक भी बन चुका है। क्लास की 4 लड़कियों ने मेरी वजह से ये शुरू किया, वे इसमें बहुत अच्छी हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड समेत कई बच्चे अब ये कर रहे हैं। मेरे पीई टीचर ने मुझे क्लास में हॉबी हॉर्सिंग को सबको दिखाने की परमिशन दी। एक ने प्यार से कहा कि ये उसके लिए सही खेल नहीं है, लड़कों को ये जरा अजीब सा लगा, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। माँ बाप के मुताबिक हॉबी हॉर्सिंग करने वाले बच्चों को अक्सर जिज्ञासा और दिलचस्पी से देखा जाता है। मुझे लगता है कि अगर 10, 11 या 12 साल के बच्चे ये करें तो ये परफेक्ट है। हाँ, अगर 20 साल की लड़की कहे कि उसे ये करना है तो मैं उससे बात करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि इसमें बढ़िया खेल भावना है। पूरी गर्मियों में वो हॉबी हॉर्स के साथ उछलती कूदती रही। हो सकता है कि कुछ बच्चे इस दौरान हर वक्त बैठे बैठे मोबाइल स्क्रीन देखते रहे हों। घुड़सवारी ना करने वाले या घोड़ों के बारे में ना जानने वाले माता पिता को ये अटपटा लग सकता है कि इसमें क्या मजा है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इसमें बच्चों को कितना मजा आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉबी हॉर्सिंग से बच्चे असली घुड़सवारी के लिए भी तैयार होते हैं। घुड़सवारी सर्कल के कुछ लोग भी इसे फायदेमंद कहते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि ये बच्चों और एथलीट्स को घुड़सवारी से भटकाती है, लेकिन ये सच नहीं है। हॉबी हॉर्सिंग करने वाले करीब 70% बच्चे असल में घुड़सवारी करते हैं, या तो घर पर या राइडिंग स्कूल में। युवाओं को ट्रेन करने में हॉबी हॉर्सिंग खासी फायदेमंद हो सकती है। ये बच्चों को घुड़सवारी के लिए प्रेरित करने के साथ ही एक्टिव रहना भी सिखाती है। एक दोस्त ने मेरी वजह से हॉबी हॉर्सिंग शुरू की और अब वो असली घोड़े पर सवारी भी करती है।